at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंदर ऑगस्ट 1947 ना रोज भारतना लोको ने अंग्रेजोनी गुलामी माथी आजादी मळी। आजे आजादी ना 74 वर्ष पूरा थया छे। सरकारे भारतना गौरवशाली इतिहास ने लोको सुधी लई जवा माटे आजादी का अमृत महोत्सव शुरू कर्यो छे। 75मा स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्र सेनानियों ने याद करीने अमे तेमना महान कथानायकों ने याद करता गर्व अनुभवी रहा छे। आवी एक महान गाथा छे धर्मनगरी वाराणसी ना ते अद्भुत मंदिर नी, जेने लोको भारत माता मंदिर तरीके ओळखे छे। 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ और बाबू सरस्वती प्रसाद गुप्त जी का ये विचार था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, तो क्यों ना ऐसा मंदिर बने जहाँ पे सभी देश के जाति के धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के इस मंदिर में आके दर्शन कर सके। क्योंकि देश भी आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों से लड़ना भी था, तो बाबू सरस्वती प्रसाद गुप्त जी ने इस मंदिर की स्थापना कराया। कहवा माटे तो एक मंदिर छे, पण अंदर प्रवेश्या पछी तमने न तो कोई मूर्ति मळशे के न कोई भगवानी तस्वीर, कारण के आ भव्य मंदिर नी अंदर 1970 ना अखंड भारत नो अद्भुत 3D नक्शो छे। आ नक्शा मा कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने एक संयुक्त भारत तरीके दर्शावामां आव्युं छे। वाराणसी ना धरातल पर स्थित आ भव्य मंदिर निर्माण कलानुं एक अद्भुत उदाहरण छे। आ मंदिरमां वपरायेला लाल पत्थर, मकराणा आरस अने अन्य बांधकाम सामग्री आ मंदिर ने वधु भव्य बनावे छे। वर्ष 1970 पछी आ मंदिरनुं निर्माण कार्य शुरू थयुं हतुं। और ये जो बना है मकराना मार्बल का बना है और ये जो बना है 1917 के मैप के आधार पे बना है, इसलिए इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, वर्मा, बांग्लादेश इन सभी को दर्शाया गया है। और स्किल बाय स्किल मैपिंग की गई है, समुद्र तल की गहराई से लेके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक दूरी सब कुछ दर्शाया गया है। 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई और उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दर्शाया गया है। 1 इंच में 6.4 मील लंबाई, लगभग 9.5 किलोमीटर लंबाई को दर्शाया गया है। 2 बड़ी नदियां, 800 छोटी नदियों को दर्शाया गया है। 450 माउंटेन की चोटियों को दर्शाया गया है। और एक यही मंदिर है जहाँ पे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज भी लिखा लगा है भारत माता का। वर्ष 1924 માં આ મંદિર બનીને પૂર્ણ થયું હતું। અંગ્રેજોએ તે બાબતે કડકાઈ દાખવી અને મંદિરને ખોલવા ન દીધું। જો કે 12 વર્ષ પછી મહાત્મા ગાંધીએ ઓક્ટોબર 1936 માં આ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું। વારાણસીના ચંદવા સબ્જી મંડી વિસ્તારમાં સ્થિત આ મંદિર દેશભક્તો અને રાષ્ટ્રવાદીઓ માટે મોટું કેન્દ્ર છે। આ મંદિરમાં પથ્થર ઉપર આઝાદીના મતવાલા લોકોની તસવીરો જોવા મળે છે, જેમાં મહાત્મા ગાંધીથી લઈને તે સમયના મહાન ક્રાંતિકારીઓની તસવીરો પણ છે, જે આઝાદીની ગાથાઓ કહે છે। क्योंकि बाबू सरस्वती प्रसाद गुप्त जी ने सन 1918 में भारत माता मंदिर की स्थापना, 1920 में आज अखबार की स्थापना, उस समय जो थे आज़ादी से रिलेटेड जितने भी लोग हुआ करते थे उनके यहाँ ये पेपर निःशुल्क जाया करता था और अंग्रेज छापा मारा करते थे तो चोरी छुपे आज यहाँ छप रहा है तो कल वहाँ छपा करता था। और 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कराया, क्यों जो कि उस समय जो भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उनको कहीं एडमिशन नहीं हुआ करता था, तो इसलिए बाबू सरस्वती प्रसाद गुप्त जी ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कराया ताकि कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो, यहाँ पे गरीब हो, आके सके। વિશ્વનું આ એકમાત્ર એવું મંદિર છે જ્યાં ભારતની પૂજા કરવામાં આવે છે। ભારત માતા મંદિરે સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ઘણું યોગદાન આપ્યું છે। આઝાદીના મતવાલાઓમાં આ મંદિર ભારત માતા પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને આદર વ્યક્ત કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે। इस मंदिर की रूपरेखा राष्ट्ररत्न बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी ने रखी, लेकिन 1936 में महात्मा गांधी के हाथों इस मंदिर का लोकार्पण हुआ। तब से आज तक ये मंदिर आज़ादी के मतवालों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है और आज भी काशी आने वाला कोई पर्यटक बिना भारत माता मंदिर में दर्शन किए यहाँ से नहीं लौटता है। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ETV भारत।